अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन स्ट्यू। इसके लिए मैंने ये आधा किलो मटन ले लिया है, आधा किलो से थोड़ा सा फालतू है, और ये चार मीडियम साइज़ की प्याज। मैंने इसको बहुत ज़्यादा मोटा और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटना है। ये स्ट्यू है इसलिए इसमें थोड़ा सा प्याज ज़्यादा डलती है। ये एक चम्मच भरकर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, ये आधा चम्मच मैंने नमक ले लिया है, आधे चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, एक चम्मच मैंने धनिया पाउडर ले लिया है, एक चौथाई चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर ले लिए हैं, तीन चम्मच मैंने दही ले ली है, और ये थोड़े से गरम खड़े मसाले हैं। इसमें दो तेज़पत्ते हैं, इसको मैंने छोटे टुकड़ों में कर लिया है, दो तीन छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं, तीन से चार हरी इलायची हैं, चार से पाँच लौंग हैं, आठ से दस काली मिर्च है, और ये आधा चम्मच खड़ा धनिया और आधा चम्मच सौंफ, इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, तीन से चार सूखे लाल मिर्च ले ली है, इसको मैंने टुकड़ों में काट लिया है, और तीन से चार ही हरी मिर्च हमने ली है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मैंने कुकर रख लिया है और इसमें तीन से चार चम्मच भरकर बड़े चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल डाल लिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो सबसे पहले हम ये प्याज डाल देंगे इसमें। प्याज हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, तो हमें हल्की पिंक कलर पे लाना है। देखिए प्याज हमारी हल्की पिंक कलर पे आ गए। अब इसमें हम खड़े मसाले डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे गोश्त। एक से दो मिनट के लिए भून लेंगे अच्छे से प्याज में ही। देखिए एक से दो मिनट के लिए हमने प्याज में भून लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर हम दो से तीन मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे ताकि गोश्त का और लहसुन अदरक दोनों का कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए। देखिए दो से तीन मिनट के लिए इसको हमने लहसुन अदरक में अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम और मसाले ऐड करेंगे। ये जो हमने सूखे मसाले लिए हैं पिसे हुए, ये डाल देंगे इसी में। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये सौंफ और धनिया जो हमने कूटा हुआ था, और ये लाल मिर्च से डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हम डाल लेंगे थोड़ा सा पानी। आधा गिलास के करीब हमने पानी डाल दिया है। अब इस पर हम लगा देंगे ढक्कन। ढक्कन लगा के हम तीन से चार सीटी लगाएंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाए और मसाले भी पक जाएं। देखिए तीन से चार सीटी हमने लगा ली है, इसको चेक कर लेते हैं गोश्त गला कि नहीं। गोश्त भी हमारा टेंडर हो चुका है। जो थोड़ी सी कसर बाकी है अभी हम दही और हरी मिर्ची डालकर इसको और भूनेंगे थोड़ा सा। अब इसमें हम डाल देंगे दही और ये हरी मिर्ची, इसको हम डालकर भून लेंगे तेज आंच पर। यहीं पे हमने नमक भी टेस्ट कर लिया है, थोड़ा सा नमक हमारा कम है, थोड़ा सा नमक भी हमने ऐड कर दिया है। इसको हम भून लेंगे तेज आंच पर। देखिए दही हरी मिर्ची भी डाल के हमने अच्छी तरह से इसको भून लिया है।
स्ट्यू हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया, इसको हम अच्छे से मिला देंगे। इसको हम डिश आउट कर लेंगे। देखिए मटन स्ट्यू हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप इसको घर की रोटी से, होटल की रोटी से, किसी भी रोटी से इंजॉय कीजिए। ये रेसिपी भी हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, आप अपने हमें कमेंट भी ज़रूर कीजिए ताकि हमें पता चले कि हमारी रेसिपी आपको पसंद आ रही है। तो फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।